देखने को मिलेगा। कवर्धा से हमारे साथ सतीश बने हुए हैं। सतीश, पुलिस बल की क्या कुछ तैयारी है बंद को लेकर कि स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस बल तैनात है और क्या स्थिति, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कवर्धा में? बंद का आह्वान किया गया था, सभी संगठनों से उनका समर्थन भी मांगा गया था। इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है कि आप देख सकते हैं कि पूरे व्यावसायिक जो संस्थान है वो पूरी तरह से बंद है। हालांकि पुलिस के द्वारा या ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए जो है पूरे चप्पे चप्पे पे और चौक चौराहों पे, खास करके जो व्यावसायिक संस्थान है वहाँ पर उनकी तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। हालांकि जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग अभी निकले हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि पूरे जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी यात्रियों को थोड़ी राहत है, यात्री वाहन जो चल रही है और जो बहुत जरूरी जो सेवाएं हैं डेयरी और खास करके मेडिकल सुविधाएं वो अभी यहाँ पे संचालित है। स्कूल की अगर बात करें सारे निजी स्कूल भी बंद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए इसका असर तो देखने को मिल रहा है क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन कर दिया है। अहम तो ये भी हो जाता है क्योंकि सुबह का वक्त और अमूमन दुकानें बंद ही रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लोगों को और समस्याएं होंगी। रजनी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसे बंद का आह्वान किया जाता है किसी भी संगठन की ओर से तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि माहौल कैसे खराब किया जा सके। इसको लेकर पूरे प्रदेश में एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने क्या फैसला लिया है, क्या प्रबंध किया है ताकि ऐसे सामाजिक तत्वों से निपटा जाए इस बंद के दरमियान?